वी आर डिस्कसिंग नाउ बाइनरी रिलेशन. अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये सिंपली रिलेशन है दो सेट्स के बीच में और ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. एग्जाम्पल से समझिए. सपोज हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज्ड और हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है. कार्टिजन प्रोडक्ट में क्या पड़ा था? सिंपली सेट ए के एलिमेंट्स कनेक्ट करें सेट बी के एलिमेंट्स और उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें. वही करेंगे यहाँ पे. सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2 ब्रैकेट क्लोज्ड क्रॉस सिंबल, इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट. सेट बी के एलिमेंट्स 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज्ड. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 कनेक्ट करेंगे 4 के साथ और इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे. सो वी विल राइट 1, 4 सिंपल ब्रैकेट्स में. हम जब दो एलिमेंट्स को क्लोज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. कामा 1 गोज़ विथ 5 1, 5 1 गोज़ विथ 6 1, 6 उसके बाद है सेकंड एलिमेंट सेट बी का, वो भी सारे एलिमेंट्स सेट ए के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा. सो वी विल राइट 2, 4 देन 2, 5 सिंपल ब्रैकेट क्लोज्ड 2, 6 सो दिस इज द ए क्रॉस बी. दो सेट्स के बीच में ये हमने कार्टिजन प्रोडक्ट निकाली और इसी का रेंडमली आप कोई भी सबसेट उठाएंगे तो उसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन. सपोज हम इसी का कोई रिलेशन R1 उठाते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं 1, 4 1, 5 1, 6 ये R1 रिलेशन सबसेट है इस ए कार्टिजन बी का, तो हम इस R1 को बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं. दिस इज़ सो सिंपल. किसी भी दो सेट्स की कार्टिजन प्रोडक्ट का अगर आप सबसेट उठाते हैं उसको हम रिलेशन कह सकते हैं और वो रेंडमली सबसेट कोई भी आप उठा सकते हैं.